चाची है इनको सब मोदी की दीदी बुलाते हैं गांव में, काहे बुलाते हैं हम आप भी लड़ेंगे क्या चुनाव ना? नहीं हम गरीब मन के हमने दी कहां भाग रही है सुनिए हम नहीं अरे सुनिए भाई हम बोल नहीं पाए नहीं बोले। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। चुनाव आने वाला है, कुछ महीने बचे हुए हैं, नेता लोग अपने तैयारी में जुट गए हैं। सब यही कह रहे हैं कि चौतरफा विकास है, विकास की गंगा बह रही है। तो हमने सोचा कि हम भी क्षेत्र में घूम आते हैं, थोड़ा देख आते हैं कि गांव का कितना विकास हुआ। अब ये भी बता रही है कि नहीं हुआ, अभी चाची लोग तो बताएंगी, अब देखिए उन लोगों को भी पता है कि विकास नहीं हुआ है, हैं? तो बातचीत करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आई आई जो चाची हैं बैठिए, नहीं मैं पैखाना देख ली तो आई आई जो चाची हैं इनको सब मोदी की दीदी बुलाते हैं गांव में, काहे बुलाते हैं? हम लड़े ली इनके ओर से जाते, किनके ओर से? मोदी ओर से। मोदी ओर से काहे? हमें चाउर देना, पैसा देना 2000, ओकरे खातिर हमें लड़का ना हमारे वही कटेला। जो आपको कोरोना में जो अनाज वगैरह मिल रहा है उसको, वो और 2000 रुपए किसका? मोदी के, वो सम्मान निधि का बता रही है क्या किसानों को जो 2000 रुपए? हाँ, वही बता रहे हैं। वही खुश बाटू, हाँ खुश बाटी उतना में। तो क्या करे, शौचालय दिखाओ तो रहे ना, जब खुश बाटू तब मोदी जी से। चलिए चलिए देखी हमारे, चलिए इनका शौचालय देखिए। अरे हैं, क्यों बोलते हैं मोदी दीदी? अरे बहुत मोदी जी का बड़ाई करती हैं ये। हाँ। आप लोग खुश नहीं है क्या मोदी जी से? नहीं खुश है मैम। बताइए कमियां, बताइए मैम। बहुत कमियां मैम हम लोग का पढ़ाई मैम, बताइए हर जगह भीड़ भाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैम? हर जगह भीड़ लग रहा है तो कोरोना नहीं हो रहा है, स्कूल खुल रहा है तो कोरोना हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्चों के साथ? अगर हम लोग का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है ना हम लोग का, मान लीजिए। अरे आप लोग ऐसे ही प्रमोट हो जा रहे हैं? अरे मैम मतलब प्रमोट उसका कोई मतलब है मैम? बताइए इतना बच्चा मेहनत कर रहा है, कोचिंग जा रहा है सुबह उठ के 6 बजे, फिर शाम को जा रहा है अपना काम छोड़ के, और ये मोदी जी हैं तो स्कूल खुल रहा है तो कोरोना हो जा रहा है। बस स्टैंड पे इतना भीड़ है वहाँ नहीं कोरोना हो रहा है, स्टेशन पे भीड़ वहाँ नहीं कोरोना हो रहा है, कहीं भाषण दिया जा रहा है तो वहाँ नहीं कोरोना हो रहा है, और जब स्कूल खुल रहा है तो कोरोना हो जा रहा है। बताइए मोदी दीदी, ये इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी? अरे लगाओ तो ना, कह रहे हैं कि स्कूल में नहीं खुल रहा है। अभी बताई जनता आखिर मरा तन तीन देखा था सब, और रैलियां जो इकट्ठा करता था उतना भीड़ तो नहीं, अब भट्टिया जो चाचा लोग जाके इकट्ठा करते हैं उसे ना भीड़ होता है। का कहल जाए ये बतावल जा, सबके लिए परेशानी बात हमारे लिए बा। हाँ आवास वास नहीं मिला उसका नहीं। उसका दुख नहीं है आपको? तब भी मोदी का कर रहे हैं, का करी प्रधान सबके नहीं देना तो का कर जाऊं कर, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधान लोग नहीं कर पा रहे। नहीं अच्छा, आप गुस्साती नहीं है जब गांव में आपको लोग ऐसे बुलाते हैं तो? के ना गुस्सा है जनता लोग, आप भी लड़ेंगे क्या चुनाव ना? नहीं हम गरीब मन के हमने दी मतावल जा, ये हमारा चचेरा घर है देखिए, ये पैखाना बनल बा, दरवाजे तक नहीं लगाए, नहीं कुछ नहीं देखिए, हमार नाव गई बा आ कहीं कुछ नहीं देखी, पर्दा लगा के देखली घर में चल देखी कितना गिरा ईंटा भर भर है वाला, आ 3 बेटी रहेली हमन के हे में रहल जाला। तब बोलती नहीं है अपने प्रधान से? नहीं नहीं देना ना, तैसे ही उठा लाना कहे कि कुछ बोलबा नहीं करें, बोलावल जा तो बोलबा नहीं कर, पैखाना कुवाड़ी कालन करी ज्यादा कहा आ दे बिहान देव आ ले देव नहीं कहना, देखिए आपके सामने बा ना। हाँ हाँ दरवाजे नहीं बा, देखी टंकी गड्ढा हम अपने लग से बनवावले बनलिए, तब ओकर बाद नाइज बनवावले तो अपने लग से टंकी गिरवा के तब बनवा। कितना पैसा दे लाने के खाती? एकर खाली 2000 बस। हाँ इन इंटर खाती टोटल कितना? हाँ। शौचालय पैसा दे आई लहल हव पैसा 8000, अरे 8000 की 10000 ऐसे आई ल 2000 दे लेवन है छाते खाती 12000 आवेला। हां तो 2000 दे लेवन, 10000 खा गई ना। बताओ मोदी जी की बहन है तब इनके साथ बेईमानी हो जा रहा है तो, और क्या तक गिराता। चलिए आई देखी घर में, आई देखिए हमार लड़की का बात। हां दादी का कह दो मोदी का करिए घर घर उनके सब चिढ़ावे लाना है, मोदी बहन मोदी बहन तब कहती, जब मोदी बहिने के ना मिल पाओ तो आवाज शौचालय तो आम मनाई का करे, तू और हमके कहाँ से मिले बतावा। देखिए
के देखौली प्रधान जी के कुछ बोलबा नहीं करा का बोली है के आपन घर भरे हुआ तो का बोली है सीमेंटो कुल गिर जाता हाँ सब गिर जाता और तीन ठो लड़की दामाद रहेली चीरा वो चीर पड़ रहा है हाँ सब चुवाला यहू में हाई हाई देखो दीवालवा पूरा भाग रहा हाँ हाई देखी हाई फाट गई लबा तब हमारा आदमी कमात रहना तब बनवावले रही अब तो मनो बुढ़ापा आ गया स्कूली पर रहना तो लगन के छुट्टी हो गल तब से घर ही बना जानली हमारे घर में कुछ नहीं दी देवे सही है ना देखी है घर में राशनो नहीं बा राशनो नहीं हुआ राशन वा दे ना पाँच चार अरे बीस किलो कहाँ चल पावाला दीदी बहनी से कर्ज पानी लेके बना करेली हमारे लड़का नहीं बा बहनी को यहाँ तक ते दबा के अपन ले लेता कहिए बाबू दे दा है तुर के बन जा कहें बोल बना कर चल जा एक महीने में 20 किलो राशन उतने में पूरे परिवार को खिलाने का खर्चा एक टाइम में कितना बनत हुई एक टाइम में लइकनी खुराली थी एक रजिया बनाला रजिया माने किलो दू किलो दू किलो हाँ तैसे तीन ठो दामाद है तीन ठो लड़की है तीन ठो नतनी है एगो लड़का है हाँ जानली ऐसे चूहा था अब बताइए न रही कहाँ के रही पाई दबा नहीं जाए के हूँ अब पैखाना में ये देखा था रे हमन के बतिए नहीं के सुने वाला बा बताइए के रही पाई है देखी है हाँ लड़के आ जाइ हैं दामाद बेटी तीनों तब बिछा लेवल जला का कैल जब नहीं इतना तक ले नहीं प्रधान मनल है आइए चाची पूरे गांव से लड़ती हैं मोदी जी के लिए लेकिन प्रधान लोग तब भी नहीं सुन रहे हैं सोचिए है ना इतना आप साथ दे रही हैं मोदी जी हम तो हरदम लड़े ली हमारे खाती भाई 20 किलो चौरा ढेर बा नहीं कमाई बात भतवा रही तो नकवा कैसे सुधर करी का कही जाए ते पर देबू योगी जी के वोट का ना देबू हाँ वोट तो मोतिया जोगी दिया ही आवाज दे चाहे ना दे नाली गांव सड़क बने चाहे ना बने लेकिन वोटवा मोदी योगी हाँ एक बार सुनल जा हमारे लड़के हमन के आवतन हाई रास्ता आ हाई रास्ता जान ली हमन के कचड़ा में पानी बरस तो रिया नहीं पौती तो वही तो मैं कह रही हूँ कि चाहे रास्ता बने चाहे ना बने सड़क बने चाहे ना बने हैं घर बने चाहे ना बने शौचालय बने चाहे ना बने लेकिन वोटवा जो बात योगी जी दिया का है ऐसा का कैल जाए सब तब के नहीं करल मैं औतिक राज रह वो नहीं देहली कुछ है ना आबादी वादी इतना घर बा उन्हें चाहे 20 आदमी रहे चाहे पर यहाँ तक जान दे तक खेती बा ओकरे ललका कार्ड बनल बा आ तक खेती नहीं बा उजर का मिलल बा चलिए हमारा भी देख लीजिए पहले ये बताइए उनको मोदी दीदी क्यों बुलाया जाता है ये सवाल का जवाब दीजिए बाकी सब छोड़िए उनको मोदी दीदी क्यों बुलाते हैं अब पता नहीं हम तो जानते नहीं क्या बताएं कौन बुलाते है अच्छा बताइए चाची इसमें क्या इसमें कुछ आपको कोई काटेगा थोड़ी ना बे कहां भाग रही है सुनिए अरे सुनिए भाई हम बोल नहीं पावे नहीं बोले लो तो आई बतियावे नहीं 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 हम लाज वाला नहीं है कहे न ले जा तू चाची ए सुनना है हम नहीं बताए सुनिए चाची इतना सरकारी नहीं बताइए महिलाएं मोर्चे पे खड़ी ही नहीं हो रही हैं जब महिलाएं अपना हक मांगने खड़ी होंगी तब तो मिलेगा।